नमस्कार दर्शक बंधु आपको स्वागत जनुच्छे नॉलेज फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को यह भिडे मुझे जानवी फोर्थ सेमेस्टर जहाँ रही आप एससी 02 डाटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जो ब्लॉक फास्ट फास्ट यूनिट रही रही कंप्यूटर फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम विषय मुझे भिडियो समस्त थ्योरी विषय समस्त मुझे चेष्टा करी समस्त समाधि करी आप कम समय मध्य यूनिट टी कवर करने तेरे समय नष्ट चलत डिस्कस करवा डिस्कस करने पूर्व जब आप चैनल नुआ अच्छा तेरे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर दिखाते जहाँ मध्यम आपरी समस्त इनफर्मेटिव भिड प्रथम आपरि मुवल आप समस्त जो टॉपिक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रही समरी कर कम समय मध्य आपको थ्योरी बतेदेवे तेज आप वीडियो कंप्लीट देखु जहाँ मध्यम आप समस्त विषय अवगत हो पारे देखो इंट्रोडक्शन जहाँ रही फर्स्ट यूनिट रही आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तो फर्स्ट यूनिट जहाँ रही इंट्रोडक्शन देखा तो कंप्यूटर शब्द टी प्रथम यहाँ लैटिन वर्ड कंप्यूटर आसी जार अर्थ हो कैलकुलेट और द मैनिपुलेट यह हूँ कंप्यूटर शब्द जहाँ लैटिन वर्ड आखिर कंप्यूटर डेफिनेशन क्या कहे ना देखो ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज डाटा एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव द आउटपुट यार संपूर्ण उड़िया रूपे जदि आम जानपर तेज यार अर्थ हूँ कंप्यूटर हूँ गोटे डिवाइस जेनटा कि आप मैंने जो इंस्ट्रक्शन जो डाटा आम दे था सेपर से काम करता है जहाँ डिजिटल फॉर्मेट होगा दरकार एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन जहाँ आम इंस्ट्रक्शन दे था से प्रोसेस को फॉलो कर सी समस्त आमको आउटपुट बामको जो रिजल्ट दे था कहुए कंप्यूटर अन्य एक वर्ड देख बोले ए कंप्यूटर कैन बी डिस्क्राइब एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट एक्सेप्ट एक्सेप्ट रॉ डाटा एज इनपुट प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इनफॉर्मेशन दैट आउटपुट एज रिजल्ट जहाँ आम इंस्ट्रक्शन दे था से रेस्पन्स कर आमको आउटपुट देता जो डिवाइस टी करते कहुए कंप्यूटर तो से मेनली चार फंक्शन काम करता है जहाँ डाटा जहाँ आम देखा इनपुट कहुए से गोटे प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करें जहाँ से एलओ माध्यम करें गोटे जगार से कौन से निर्दिष्ट स्थान से स्टोरेज करता है ताकि डाटा स्टोरेज कहुए और जहाँ आमको आउटपुट होता है आम इनफर्मेसन कही था भाव में से कंप्यूटर टी चार फर्म्रे से कम करता है देखो जो यूनिट टी आप पढ़ी सारापर आप क्यों सब विषय अवगत हो पारे से विषय प्रथम टी डिस्कस करवा देखो आफ्टर रीडिंग आफ्टर कंपिटिशन ऑफ दिस यूनिट यू सुड एबल टू नो व्हाट इज कंप्यूटर से विषय जानपरि कंप्यूटर कौन से विषय जानपरि डिफरेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विषय जानपरि तो ये गोटे समरी तो चलत डिटेल्स हिसाब से डिस्कस करवा तो प्रथम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर विषय प्रथम डिस्कस करवा देखो प्रथम कंप्यूटर डिवाइस जेनटा कि आम हुई वाज डेवलप बिफोर 5000 इयर्स बाय चाइना इज अबाकस 5000 वर्ष पूर्व प्रथम कंप्यूटिंग डिवाइस जहाँ अबाकस जो आप अबाकस गोटे व्यक्ति हिसाब से वैज्ञानिक थे जी चाइना थे से प्रथम गोटे कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप करते बाय हुई वी कैन कैलकुलेट सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही डिवाइस माध्यम रे केवल आम एडिशन जोग एवं वियोग कर पार्थ इट इज स्टिल यूज इन द साउथ ईस्ट एशिया यह वर्तमान साउथ ईस्ट एशिया चाइना और जापान में व्यवहार कर तो प्रथम मेकानिकल कैलकुलेटिंग मशीन जहाँ हूँ व्हिच कैपेबल टू परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हिच वाज डेवलप इन अर्ली 1642 तो प्रथम मेकानिकल डिवाइस जहाँ जो आम बहुत प्रकार अरिथमेटिक ऑपरेशन कर पार्बा जहाँ 1642 मसीह डेवलप कराइला व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल जहाँ को ब्लेस पास्कल से गोटे वैज्ञानिक थे
ସେ 1623ରୁ 1662 1623ରେ ସେ 1662 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ଲେସ୍ ପାସ୍କଲ୍ ଏକ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଦିସ୍ କାଲକୁଲେଟିଂ ମେସିନ୍ ମେନ୍ଲି ପରଫର୍ମ ଓନ୍ଲି ଟୁ ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍। ଯେଉଁ ବ୍ଲେସ୍ ପାସ୍କଲ୍ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ କେବଳ ଏହିଥିରେ ଦୁଇଟି ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିସନ୍ ଏବଂ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଯେପରି ଆବାକସ୍ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆଡ଼ିସନ୍ ଏବଂ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଯୋଗ ବିଯୋଗ କେବଳ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ ଏଜ୍ ପାସ୍କାଲିନ୍। ଏହି ଯେଉଁ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ ଏଜ୍ ପାସ୍କାଲିନ୍ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟାକୁ ପାସ୍କାଲିନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ 1822 ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦ ଆର୍ଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତାପରେ 1822 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ କୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆଲଗୋରିଥମ୍ ଟେବଲ୍ସ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ସ ହିସାବରେ ଆଲଗୋରିଥମ୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କରୁଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦିସ୍ ମେସିନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଯେଉଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ 1822 ମସିହାରେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ମଡ଼ିଫାଏ କରି ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିସାବରେ ସେ 1833 ମସିହାରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ କୁଡ୍ ପରଫର୍ମ ଦ ବେସିକ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଯାହା ବେସିକ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଦିସ୍ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଜ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଏହି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଇନ୍ପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାହାକୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ମାର୍କ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କଭର୍ ବାଇ ହାୱାର୍ଡ ଆଗ୍ନେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ ୱାନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାକି ହାୱାର୍ଡ ଆଗ୍ନେସ୍ ଏହାକୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ 1939 ମସିହାରେ। ହେଲା, ହୁ ୱର୍କ ମଲ୍ଟିପୁଲ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମାର୍କ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, ଯାହାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ କରିବା ପାଇଁ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏହି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ ବ୍ୟୟକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା'ର ସ୍ପିଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁରେସି ହିସାବରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନେକ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଇନ୍ 1946। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ଇନାଇକ୍ ବା ଇନିଆକ୍, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା, ଯାହା 1946 ମସିହାରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ହେଜ୍ କେପାବିଲିଟି ଟୁ ପରଫର୍ମ ଆବାଉଟ୍ 5000 କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 5000 କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ୟୁପାଏ ଆବାଉଟ୍ 1500 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଜ୍ ଆବାଉଟ୍ 50 ଟନ୍। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା 1500 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ୍ର ଆକାର ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ଥିଲା 50 ଟନ୍। ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ଆଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହିସାବରେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱି ନୋ ଇ ଟୁଡେ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ୱିଥ୍ ଏ 19th century ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ପ୍ରଫେସର କ୍ୟାମ୍ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଯେପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହା 19th century ବା 19th ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇପାରିଥିଲା। ହି ଡିଜାଇନ୍ ଦ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯେ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବେସିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଟୁଡେ ଆର୍ ବେସନ୍। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 21st century ବା ଆପଣଙ୍କର 21st century ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଚାର୍ଲସ ବାବେଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନି ପର୍ପୋଜ୍ ହୁଏର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ୟୁଜ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯେପରିକି ସଚ୍ ଆଜ୍
याहू जिमेल पर क्विक डेलीवरी अब मेसेज कौन सी टैक्स कि मेसेज पढ़ापी इमेल सर्विस कंप्यूटर को इन हॉस्पिटल फॉर द पर्पोज ऑफ द पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल बिलिंग हॉस्पिटल जो आप पेशेंट केयर और जो बिलिंग करवा कार्य करें कंप्यूटर साहय टेलीकम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द मोबाइल फोन्स टेलीकम्युनिकेशन जोगाजोग माध्यम आप फोन माध्यम मोबाइल फोन माध्यम आम टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर सहित जोजोग आम व्यवहार करिफेन्स इन द फॉर्म ऑफ द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एंड अदर डिफेन्स एक्टिविटी जपर आम रडार आप मिसाइल सैटेलाइट यहीपर भाव में अनेक प्रकार डिफेन्स सर्विस आम कंप्यूटर को व्यवहार करता तब देखो चलो डिस्कस करवा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कौन सब कैरेक्टरिस्ट अच्छे से विषय देखा इट हैज बिकम द नीड ऑफ एवरीवन यह प्रत्येक प्रत्येक जीवन पर दरकार पड़ी यह रहा जरूरी रही बर्तमान ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली यह बहुत स्पीड काम करता है बहुत सटीकता सहित आमको रिजल्ट देता है कंप्यूटर हैज इट इज ओन फीचर टू एंड कैरेक्टराइज यार एक निर्दिष्ट फीचर एवं कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव मेड देम सो यूनिवर्सली यूजफुल आर द स्पीड एक्यूरेसी डिलिजेंस वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी स्टोरेज कैपेसिटी पावर ऑफ द रिमेम्बरिंग एंड नो आई क्यू नो फिलिंग यही भाव समस्त जो कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी कंप्यूटर से विषय में जानतु टी धीरे धीरे टी ब्रीफ हिसाब से डिस्कस करवा एफिशिएंसी कहले कौन ना जो आम डाटा को इंस्ट्रक्शन दे था बहुत स्पीड एक्यूरेसी हिसाब से काम करते हैं तो स्पीड द टाइम टेक टू प्रोसेस डाटा बाय कंप्यूटर इज ग्रेट स्पीड जो आप कंप्यूटर कंप्यूटर को आम जो डाटा देखा के समय मध्य काम करते स्पीड कहुए और द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर बाय द MIPS जो आप कंप्यूटर स्पीड को कौटी न पाए ना मेजर कराए ना आप MIPS मिलियन इंच पर सेकेंड प्रत्येक सेकेंड से कते इंच रे मिलियन सेकेंड काम कर से मेजर करते तार यूनिट हूँ MIPS मिलियन इंच पर सेकेंड बोली कहा जाए स्पीड देखो जिते बारे आम जेपर मनीष कम जिते लोड नब काम को से अधिक समय नब तेणुक यह कम करने व्यवहार करता तेणु मनीष अपेक्षा कंप्यूटर बहुत कम समय तार कम करता है तेणु यह स्पीड तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पीड एक्यूरेसी देखो मनीष जेहेतु से भूल करपे कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट माध्यम से समस्त रिजल्ट को आमको दे था डिलीजेंस क्या कहुए ना मनीष देखते कंप्यूटर कैन वर्क फॉर हावर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर से कौन से बिना ब्रेक रे समस्त इनफर्मेशन सटीकता सहित दे था कि मनीष पर कौन ब्रेक न था कि कौन से भूल कर सटीकता सहित 100% बिना विदाउट ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर बिना भूल से समस्त सटीकता रिजल्ट को पब्लिश आउटपुट माध्यम आमको दे था वर्सेटिलिटी क्या कहा जाए ना आप जो वी कैन यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क एट द सेम टाइम गोटे समय रे आम बहुत प्रकार कार्यक्रम कर मल्टीपर्पोज मल्टीटास्किंग जहाँ कहा जाए से विषय आम परवर्त समय पढ़ा कि वर्सेटिलिटी कहले कौन ना गोटे समय रे बहुत प्रकार काम करने को आम कहता वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी कहुए स्टोरेज कैपेसिटी क्या कहुए ना कंप्यूटर कैन स्टोर मास स्टोरेज ऑफ द डाटा विद एप्रोप्रिएट फॉर्मेट जो मनीष मनीषर आउक कैपासीटी रखि था कौन से डाटा को स्टोर करवाई से बहुत समय पर्यंत स्टोरेज करें स्टोरेज कैपासीटी जो तार कैरेक्टरिस्ट विषय आम यही विषय जाना तब देखो रिलायबिलिटी देखो देख कंप्यूटर इज ए रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पोज एंड मल्टी प्रोसेसिंग मशीन इट प्रोसेस डाटा विद हाई एक्यूरेसी विदाउट एनी मिस्टेक कौन से बिना मिस्टेक से समस्त कार्य को सी सब कार्य को सी मल्टी प्रोसेसिंग माध्यम रे एका संगे समस्त कार्य को रिलायबिलिटी कहा जाए पावर ऑफ रिमेम्बरिंग से इट कैन मेम्बर रिमेम्बर दैट डाटा फॉर अस यह आम जेकोसी कार्य को जेकोसी डाटा को आम पाई बहुत समय पर्यंत से रिमेम्बर कर रखी था जेपरिक कौन से फोन नंबर आम जिते बिल सेव करते व्यक्ति विशेष जिते बिल कल करते तार ना को आम आगे आम स्क्रीन आगे शो करते से हीपर भाव से अनेक डाटा को स्कोर आप रिमेम्बर करते नो आई क्यू यार कौन से आई क्यू ना कंप्यूटर डज नॉट हैव वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन बिना
यूजर र इंस्ट्रक्शन से कौनसी कार्य कर पारे ना किए ना कंप्यूटर सो यार कौन से फिलिंग ना से सैड इमोशन नॉलेज एक्सपीरियंस कौन से फिलिंग से तार ना जेपोली यूजर इंस्ट्रक्शन देव से हीपर कार्य से करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहे ना तो फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर यह फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर गोटे पार्टी हुई रिकग्नाइज भयस इज बेसर अन् द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ आम भयस मध्यम जपरी आम गुगुल व्हाट्सअप जपर आम भयस सेंड करते हैं सेपर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो एआई इज अप्लाई इन द गेमिंग सॉफ्टवेयर यह गेमिंग सॉफ्टवेयर अप्लाई कराई था रोबोटिक फ्रॉम द मेनी इयर्स बट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो इन प्रोसेस व्हिच कैन रिकॉग्नाइज नॉट ओनली वॉइस बट रीड मोड द मोड ऑफ यूजर आल्सो यह बहुत प्रकार माध्यम अनेक कार्य को बहुत कम समय से मनुष्य पर कार्य करता है जहाँ को आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कही था। तब चलत देखा फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर क्यों सब फंक्शन अच्छे देखा तो साधारणतः कंप्यूटर चार फंक्शन अच्छे जहाँ अच्छे डाटा इनपुट डाटा प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन आउटपुट डाटा एंड इनफॉरमेशन स्टोरेज। तो प्रथम देखा डाटा इनपुट क्या कह इट इज रिसीविंग द इनफॉरमेशन बाय द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड सोर्स सम ऑफ द इनपुट डिवाइस आर नोन एज द बिलो। देखो आम जो इंस्ट्रक्शन देखूँ जितेबले यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है जहाँ मध्यम ताक कहुए इनपुट डिवाइस बा इनपुट डाटा जपर देखो माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पैन टच पैड माइक्रोफोन ट्रैक बॉल स्कैनर डिजिटल कैमरा यही जो डिवाइस माध्यम केवल आम इनपुट दे था कंप्यूटर को यह मध्यम आम इंस्ट्रक्शन दे था जहाँ मध्यम कंप्यूटर ताक कार्य करें डाटा डाटा इनपुट बोली कहा जाए। देखो डाटा प्रोसेसिंग क्या कहुए तो प्रोसेसिंग इज डन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर यह कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य करता है। ये प्रोसेसर इज द लॉजिक सर्किटरी दैट रेस्पॉन्ड टू एंड प्रोसेस द बेसिक्स इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव ए कंप्यूटर जहाँ आम कंप्यूटर को दे था से अनुसार से इंस्ट्रक्शन देवा अनुसार से समस्त कार्य को इंस्ट्रक्शन देवा अनुसार से कार्य कंप्यूटर को ड्राइव कर चल द टर्म प्रोसेसर हैज जनरली रिप्लेस द टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह आम प्रोसेसर नक यह सीपीयू माध्यम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम जानी था। द प्रोसेसर इन ए पर्सनल कंप्यूटर इनवर्टर इन ए स्मॉल डिवाइस इज ऑप्टेन कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर आम जो द प्रोसेसर इन द पर्सनल कंप्यूटर आम जो पीसी जो आप मोबाइल फोन में जो रही था प्रोसेसर जहाँ आम माइक्रो प्रोसेसर कही था जहाँ छोट अति छोट रही था एवं से बहुत स्पीड्रे काम करता समस्त कार्य को करता है। देखो आउ गोटे जो तरह प्रोसेसर अच्छी जहाँ रही फंक्शन अच्छी इनफर्मेशन आउटपुट देखो द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज डन बाय द आउटपुट डिवाइस यह आउटपुट डिवाइस जहाँ आम इंस्ट्रक्शन दे था जो इनपुट दे था प्रोसेस करते आमको आउटपुट दे था एंड आउटपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस यूज टू सेंड फ्रॉम डाटा फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बा यूजर जो आम गोटे व्यक्ति गोटे डिवाइस गोटे व्यक्ति गोटे व्यक्ति कि गोटे डिवाइस गोटे डिवाइस को आम जितने डाटा प्रोसेस प्रसेंड करता हूँ जो डाटा रिलीज होता है ताको कहा जाए आउटपुट है जपरिक आम देखते सीआरटी कैथोड ट्यूब एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर स्पीकर यही भाव अनेक आउटपुट डिवाइस जहाँ माध्यम आम से डाटा को टच कर पार्थ्यों किंबा हमें देखि पार्थ्यों जहाँ स्क्रीन रे देखि पार्थ्यों ताको हमें कहि पारबा आउटपुट डिवाइस बा आउटपुट इनफॉरमेशन आउटपुट हला। तब देखो डाटा एंड इनफॉरमेशन स्टोरेज जो आपंकर परवर्ती जो फंक्शन रही कंप्यूटर जहाँ होची डाटा एंड इनफॉरमेशन स्टोरेज देखो तो स्टोरेज इज डन बाय ए स्टोरेज डिवाइस यह गोटे स्टोरेज डिवाइस रही थे ए स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इश्यू इज यूज फॉर स्टोरिंग पोर्टिंग एंड एक्सट्राक्टिंग डाटा फाइल एंड ऑब्जेक्ट जहाँ आम डाटा दे था प्रोसेस ताको स्टोरेज करिवार कैपेसिटी थाए इट कैन होल्ड एंड स्टोर इनफॉरमेशन बोथ टेम्पोररी एंड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड परमानेंटली इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आम जो डाटा को देखो ताको परमानेंट हिसाब से टेम्पोररी हिसाब से किसी समय स्टोरेज करिवार को आम प्राइमरी स्टोरेज माध्यम रे स्टोर कर था एवं परमानेंट सब दिन पई बा किंबा लॉन्ग टर्म पाई आम जितने डाटा को सेव करते सेकेंडरी डिवाइस रे आम ताको सेव करते हैं जहाँ कि व्हिच कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू ए कंप्यूटर जहाँ इंटरनल एवं एक्सटर्नल मेमोरी हो पारे जपरिक देखो प्राइमरी मेमोरी हूँ आपंकर फ्लैश डिस्क फ्लॉपी डिस्क जिप डिस्क सीडी रॉम
रीड राइट सीडी राइट डीवीडी डीवीडी आर स्टोरेज टेप स्मार्ट मीडिया रिमेबल हार्ड डिस्क तब देख माइक्रो ड्राइव मैप माइक्रो डिस्क यही भारत अनेक हूँ यह हूँ सेकेंडरी डिवाइस एवं प्राइमरी डिवाइस जहाँ हूँ आपंकर रूम यही भाव में आप मैंने तार फंक्शन विषय जापारे तब देख तार एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विषय डिस्कस करवा कंप्यूटर इज यूज्ड इन एरिया व्हिच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड एट ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू गिव डिजायर्ड रिक्वायर्ड आउटपुट जिते बेले आम कंप्यूटर को व्यवहार करूँ से क्यों जगह को बा कौ कौ स्थान व्यवहार होता है से विषय आम देखा प्रथम रिसर्च स्थान रिसर्च जगह आम प्रथम देखा जे कंप्यूटर टी रिसर्च स्थान क्यों सब स्थान कार्यपाई व्यवहार होती से विषय डिस्कस करवा साइंटिफिक कैलकुलेशन व्हेयर ह्यूमन इज प्रोन टू एरर एंड लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग व्हिच ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू जहाँ मनुष्य करें बहुत लार्ज डाटा दि जाए से समय कंप्यूटर रिसर्च स्टेशन माध्यम कार्य कर गेटिंग डाटा फ्रॉम डेंजरियस लोकेशन व्हेयर द ह्यूमन बीइंग कैन रीच आर मेनी मैन मे लॉस लाइफ जोटे मनुष्य विपद संकट थाए से डाटा को आम जो रिसर्च स्टेशन माध्यम आम कंप्यूटर को व्यवहार करवा टेलीकम्युनिकेशन जहाँकि आपंकर इट इज द मेन बैकबोन ऑफ द एनी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन जेकोसी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम रो बैकबोन हो आपंकर कंप्यूटर तब देखो एजुकेशन स्थान व्यवहार करा जाए जेपर कि आपंकर जो डेलीवरी कंट्रोल इनवॉल्व द कंट्रोल डेलीवरी एंड द एवोल्यूशन ऑफ द लर्निंग जिते बिल आम एवोल्यूशन करता जेपर कि ओएमआर से जो कंप्यूटर एवोल्यूशन करें यहीपर भाव लाइब्रेरी कंप्यूटर सिस्टम माध्यम आम समस्त कार्य करजुकेशन क्षेत्र में तब देखो हेल्थ केयर माध्यम हेल्थ केयर जो हस्पिटाल आपंकर जो रोग परीक्षण करार जो ईसीजी आपंकर ईजी अल्ट्रासाउंड एवं सीटी स्कैन माध्यम आम कंप्यूटर को व्यवहार करता हूँ तब देखो एंटरटेनमेंट जो आपंकर रही ऑडियो वीडियो एडिटिंग एंड प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी इज बीइंग डन यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम यही समस्त कार्यक्रम कंप्यूटर व्यवहार करता है जेपर आपने देखिए निर्दिष्ट बर्तमान चलता जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते बहुत सुपर आप कंप्यूटर मैन फेम कंप्यूटर यहीपर भाव अनेक कंप्यूटर से कार्य अनुसार व्यवहार कर स्टोरेज कैपासीटी अनुसार से कार्य बा जो कंप्यूटर व्यवहार करेंगे तब बैंकिंग क्षेत्र में किपर व्यवहार कर देखो बैंकिंग रे जदि कंप्यूटर ना ना से बैंकिंग क्षेत्र में से बैंकिंग कार्यकारी कारण समस्त बैंकिंग कार्य ऑनलाइन होती तेणु ऑनलाइन कार्य करने आपको कंप्यूटर आवश्यक पड़ता है जेपरिक आपंकर चेकिंग इंटरेस्ट चार्ज शेयर एंड ट्रस्टी आप बैंक अकाउंट बैलेंस करंट बैलेंस मेकिंग डिपोजिट ये समस्त डाटा को आप बैंकिंग रे केवल कंप्यूटर साहय करेंगे तब देखते इंजीनियरिंग डिजाइन डिजाइन को जो आर्किटेक्चर मैंने से मैंने डिजाइन करते ऑफलाइन मोड माध्यम डिजाइन कर पारना पूर्वर करते कि जिते बिल आप कंप्यूटर आसला से समय से डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आर्किटेक्चर माध्यम से मैंने अनेक प्रकार डिजाइन करें मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज को मॉडिफाई करते डिफेंस माध्यम देखते जो मिलिटरी अल्सो इम्प्रूव द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम माध्यम जो मॉडर्न टैंक्स मिसाइल रडार डिफेंस सर्विस जो आप आंतरिक शांति बजाय रखा जो डिफेन्स कंप्यूटर को व्यवहार कराई है तब देखते वेदर फोरकास्टिंग यह हूँ गोटे मुख्य टॉपिक जहाँ रही आप लास्ट कैपेसिटी आप कंप्यूटर यूज इन द वेदर फोरकास्टिंग जहाँ पापाग विषय धारणा दे था वर्षा पापाग यही भाव समस्त पापाग विषय से धारणा दे था देखो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रखला बेले आम कौन सब एडवांटेज बा आपंकर एडभांटेज रिषय डिस्कस करवा मल्टीटास्किंग गोटे समय रे अधिक काम करने को मल्टीटास्किंग कहा जाए समस्त रेस्पन्स सामान आपंकर एक्यूरेट हिसाब से जो रिजल्ट रेस्पन्स आसवाक मल्टीटास्किंग कहा जाए स्पीड क्या कहुए ना गोटे समय केक्यूरेसी माध्यम से स्पीड के कम समय काम करने को कह जाए मल्टी आप स्पीड एक्यूरेसी जहाँ 100% ग्यारंटी जहाँ आपंकर वन अमंग द फ्लोइंग बेसिस एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर जो विल द परफॉर्म नॉट ओनली कैलकुलेशन बट ऑल्सो विद द एक्यूरेसी एक्यूरेसी माध्यम से केवल स्पीड देवा नुहे मात्र से एक्यूरेसी माध्यम 100% एक्यूरेसी देवा को कहा जाए
ବା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା କାରଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଇନକ୍ରିପ୍ଟ ଅର୍ ଦ ଥ୍ରୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଏହା ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏବଂ ଇନକ୍ରିପ୍ଟ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥାଏ। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ସିକ୍ୟୁର ଦ ଡାଟା ଏ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଦର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ବେନିଫିଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ ମାଇଟ୍ ବି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯାହା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ସେ ଟାସ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ତାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ଯେପରିକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏହିପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ କରିପାରିବୁ। ତା'ପରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯେପରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ୟୁଜର୍ ଇନ୍ ଦ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ ୱିଥ୍ ଅଦର ଡିଭାଇସ୍, ଅନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପରି ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାହା କହୁଛି ନା, ତ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଗେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ରନ୍ ଉଇଥ୍ ଦ ୱାର୍କ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ରିଡ୍ୟୁସ୍ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼, ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେପରି ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ ଦେଇଥିବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମଟି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ରିଲିଆବିଲିଟି କାହା କହିଛି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ସେମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ରିପିଟେଡ଼ଲି ୱିଦାଉଟ୍ ୱାର୍କିଂ ଥ୍ରୋଇଂ ଅଫ୍ ଏରର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅର୍ ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଆର୍ ବୋର୍ଡେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱିଟ୍ କମନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁମନ୍, ଯାହା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ କି କମ୍ ଅତି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ବିନା ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ବା ବିନା କୌଣସି ଭୁଲରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେଇଥାଏ 100% ଏକ୍ୟୁରେସିରେ। ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ତା'ର ଏହା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କେତେ ଗୋଟି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଅସ୍ ଭାଇରସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାକିଂ ଆଟାକ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ହ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦଜନକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଭାଇରସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଦ ଅଦର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇମେଲ୍, ଯାହା ଏହି ଭାଇରସ୍ଟି ଇମେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥାଏ, ଭିଙ୍ଗ ଦ ଇନଫେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଥ୍ରୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଭାଇସ୍ ଲାଇକ୍ USB, ଯେତେବେଳେ ଆମେ USB ଡିଭାଇସ୍ କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାଇଥାଉ ତେବେ ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମ ବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇରସ୍ ଆସିଥାଏ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଯେପରିକି ଠକ ଚାଲିଥାଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ମେସିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଉଛୁ ଯେ ମଣିଷ କେବଳ କିଛି କମ୍ ଲିମିଟ୍ ମାତ୍ରାରେ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନଲିମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଭେରିଅସ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଯେପରି ଆମକୁ କମ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସ୍କିଲଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନବର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ଦରକାର ଅଛି ତାହା କମି ଆସୁଛି, ଏହା କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା। ହାଇ କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହେନ୍ସ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଦାମ୍। ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଏଭର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହାୱର୍ସ ବ୍ରାଉଜିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେବ୍ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଦେନ୍ ୟୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ହାଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଲିମିଟ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିଡ଼ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍, ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଅଦର୍
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରହିଛି ତାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଏୱେ ଆର୍ କଲେକ୍ଟ ଦ ଇ ୱେଷ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ରା ତାହା ଅଚାଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ତା'ର ରିପ୍ଲେସ୍ ନେଇଛି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବିଗ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍, ତେଣୁକରି ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ, ଯେପରିକି ସିଟିଂ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ବସିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହିପରି ନେକ୍ ପେନ୍, ଏହିପରି ଅନେକ ହେଡ଼୍ଏକ୍, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ଜେନେରେସନ୍ କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜେନେରେସନ୍ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1946 1959 ଯାହା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ହେଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ହିଟ୍ ଏବଂ ହିଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ୱାର୍କ ଅନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏହା ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅପରେଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ, ପେପର୍ ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ କୋଡ଼୍ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିସାବରେ ମେସିନ୍ କୋଡ଼୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। କଞ୍ଜୁମ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ଲୋ, ଏହାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋ ଥିଲା। ଭେରି ହ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍, ଯେହେତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା କରିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲା। ଯେପରିକି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେତେକ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନାଏକ୍, ଇଡ଼ଭେକ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭେକ୍, IBM 700 IBM 650, ଏହା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1959 1965 ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅନୁସାରେ ମୋର କମ୍ପାକ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇଜ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ରିଲାଏବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକିଏ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟର୍ ଥିଲା ବା କମ୍ ଟିକିଏ ଫାଷ୍ଟର୍ ଥିଲା। ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋର୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ୍ ଆର୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ହିସାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କୋର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସଚେସ୍, ଏଠାରେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଫୋଟନ୍, ଫୋଟ୍ରନ୍ ଏବଂ କେବୁଲ୍। ଫୋଟନ୍ ରାଇଟ୍, ଫୋଟନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏବଂ କେବୁଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏହିଠାରେ କେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ନା, ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ନିଡ୍ ଏସିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ହିଟ୍ ଅଧିକ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଏସି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର IBM 1620, IBM 7094, CDS 1604, CDS 3600 ଆଣ୍ଡ୍ ୟୁନିଭେକ୍ 1108, ଏହି ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 1965 1971 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏହା ଏହି ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର IC ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୋର୍ ରିଲାଏବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର IC ଯେଉଁ ଥିଲା, ସରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ତାହା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭଲ
ଭଲ ଟିକେ ରିଲାଏବୁଲ ଥିଲା। ଲେସ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଏହାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଟଙ୍କା ବା କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କୋଷ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟଲି ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଗଲା। ଯେପରିକି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ IBM 360 ସିରିଜ୍, PDP ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯାହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, IBM 370, 168, TDC 360, ହେନିୱେଲ 6000 ସିରିଜ୍। ଏହା ଥିଲା ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯାହା ରହିଛି ଆମଙ୍କର 1971 1980 ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହା ଭେରି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା। ଯେଉଁ VLSI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲା, ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଭେରି ଚିପ୍ ବା ବହୁତ ସାରା ସି ବ୍ୟବହାର କରିଗଲା। ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ୟୁଜ୍ ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲା। ଏହିଠାରେ କୌଣସି AC ବ୍ୟବହାର ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏହି ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର PDP 11, DEC 10, ଷ୍ଟାର 1000, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ KREY XMP ଯାହା ଗୋଟେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା, KREY 1 ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା KREY 1। ତ ଏ ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ରହିଛି ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏଠାରେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର C++, ଜାଭା, VB.NET, CH, NET ଏହିପ୍ରକାରେ ଅନେକ ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ଏବଂ ରିଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ୟୁଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଲା। ୟୁଜ୍ ପାରାଲେଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ କାମଟେ କରିବା ତା ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା। ମୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୱିଥ୍ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଫିଚର, ବହୁତ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଫିଚର ଥିଲା। UF ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଚ୍ ASP, PHP, ESP, JET2EE, SAP ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା। ୟୁଜ୍ ସୁପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା। ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ କମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଟ୍ ଚିପର୍ ରେଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ନେଟବୁକ୍ ଏହା କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିପେଷ୍ଟ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ ବା ପାଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଦ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇନପୁଟ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କହିଥିଲି ଡାଟାକୁ ଇନପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମାଉସ୍, କିବୋର୍ଡ଼ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ CPU ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍ ବା ୟୁନିଟ୍। ତ CPU ଇଜ୍ କମ୍ପୋରାଇଜ୍ ଅଫ୍ 3 ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର CPUଟି ଅଛି ତାହା 3 ୟୁନିଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର 3 ଭାଗ ଅଛି, ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରୀ ୟୁନିଟ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ସରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ALU ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ତା'ର CPUର 3 ପାର୍ଟ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମେମୋରୀ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା କେଜ୍ କ'ଣ। ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ର ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାମ୍, ରାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ, ସୋମ୍ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାମ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାମ୍ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରୀ ପ୍ରାୟର୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ପିଡ଼୍। ଯେଉଁ ଡାଟା ଆମେ ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ ରାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଡାଟାକୁ ସ୍ପିଡ଼ଲି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଚ୍କୁ କିଛି ଡାଟା ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ମେମୋରି କିପ୍ସ ଅନ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଇଣ୍ଟାଟ୍ ଏମ୍ଟି ବାଇ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଟିଲ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ର ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାମ୍। ଯେପରି ମୁଁ କହିଛି, ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଚ୍କୁ କିଛି ଡାଟା ଦେଇଥାଏ, ସେ କି ସ୍ପିଡ଼୍କୁ ଇନହାନ୍ସ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରାମ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ତାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଯାଇଥାଏ।
कंट्रोल यूनिट ताको स्टोरेज करवा पे हार्ड डिस्क देते हार्ड डिस्क स्टोर कर सला पर तापर से कंट्रोल यूनिट को पूर्ण देते तब देखो तो वर्चुअल मेमोरी जते बेले डाटा हमें जते दे थौ तार जदि ओवरले ताको वर्चुअल मेमोरी को देते तापर ताको रैम को देते ताको एक्सेस करवा पे तापर देखो तो जते बेले रैम को आते जते जेहेतु डाटा टी अधिक थिले तबे से डाटा को स्पीड में कार्य करने कैच को पड़ता है कैच तापर देखो एएल को पड़ता है तापर आम आउटपुट मध्यम एएल आमको यही भाव कार्य कर देखो हार्ड डिस्क क्या कहे ना तो डिवाइस टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो डाटा को आम बहुत मात्रा जो बड़ डाटा को स्टोरेज कैपेसिटी आप हार्ड डिस्क रहा है डाटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट टेकन बाय द कंट्रोल यूनिट जहाँ डाटा आम कंट्रोल यूनिट ठीक आनी था एंड स्टोर इन द हार्ड डिस्क जहाँ को आम हार्ड डिस्क स्टोर करता और सेंड टू रैम ताको आम रैम को पठाई था प्रोसेस व्हेन द वर्किंग विथ हेवी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क जिते मैंने आम हार्ड डिस्क रु हेवी डाटा इंस्ट्रक्शन करते हैं रैम को पठाई था प्रोसेस करने रैम इज ए स्मॉल प्लेस एंड सो व्हेन डाटा इज एंड इंस्ट्रक्शन आज टू हेवी टू बी स्टोर इन रैम सो दे आर स्टोर इन द वर्चुअल मेमोरी ऑफ द पर्सन जिते बेले आम डाटा को दे था तापर से रैम रे जेहेतु कम डाटा स्टोर करवार कैपेसिटी देते तेणु आम जेहेतु हेवी डाटा देते तेज रैम कौन करते ना वर्चुअल मेमोरी को किसी समय से स्टोर करने वर्चुअल मेमोरी को सेंड करते एंड फास्टर देन एक्जिक्यूशन ताको बहुत स्पीड एक्जिक्यूशन करवाईपर भाव में करेंगे इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन रैम ताको फुल फॉर्म अच्छे रैंडम एक्सेस मेमोरी टू गो टू द कैच मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग देखो यह प्रोसेस करने कैच मेमोरी साहय करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द कैच मेमोरी गो टू द एएलयू तापर एएलयू पाखक जाते प्रोसेस करने आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द एएलयू जिते बिल ओएलयू रे प्रोसेस सर जाते आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम द प्रिंटर जहाँ को आम आउटपुट प्रिंटर कि मॉनिटर माध्यम से पाई बा स्टोर एंड हार्ड ड्राइव तापर आम हार्ड ड्राइव रे स्टोर कर था वन्स इंस्ट्रक्शन इन रैम इज ओवर जिते बिल आम रैम रे इंस्ट्रक्शन दे था ओवर था दे आर फेल्ड फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी तापर ता वर्चुअल मेमोरी कन्वर्ट होता है फिल होता है द साइकिल कंटिन्यू टू द टिल द इंस्ट्रक्शन आर एक्जिक्यूट जिते जेपर्यंत आप इंस्ट्रक्शन टी एक्जिक्यूट न हो पर्यंत यही साइकिल टी पुनर्बार चलता है देखते कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या कहुए ना इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर समस्त कार्य को सी कंट्रोल करता है जेपरिकी रेस्पॉन्सिबल इन द कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एमंग अदर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर रेस्पॉन्सिबल इन मैनेजिंग अकॉर्डिंग टू द विद ऑल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर समस्त यूनिट को कंट्रोल करता है गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इंटरप्रेट फ्रॉम देम एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर responsible in the communication with the output device for transfer data for result from the storage ei samasta data ko se control karte does not process or store data se data ko process kimba data ko store karna tha kebal kana karte na apko control karte tab dekhantu arithmetic logic in here eha huchi gote mukhya bhumika kariba gote part ache arithmetic and logic section is comprised in the two unit ehara modhe dui ti unit rahichi jaha huchi apankar एरिथमेटिक यूनिट एवं लॉजिक यूनिट जो आपंकर एरिथमेटिक यूनिट ठारे आपंकर समस्त एरिथमेटिक कार्य जेपरिकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन एपर समस्त गाणितिक कार्य जहाँ एरिथमेटिक यूनिट समस्त कार्य करते लॉजिक यूनिट जहाँ होती आपंकर लॉजिक यूनिट रे समस्त कंपैरिजन सिलेक्शन मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा एपर समस्त कार्य लॉजिक यूनिट रे कराई थे तब देखो आउटपुट यूनिट क्या कहे ना आउटपुट यूनिट इज ए डिवाइस व्हिच जनरेटेड ही आउटपुट जहाँ आमको आउटपुट आकार देखा जाए ताको आउटपुट डिजाइन हिसाब से आपको आउटपुट यूनिट कहुए जपरिक आपंकर प्रिंटर हूँ गोटे एग्जांपल डजी व्हील मार्क इस आपंकर कंपैक्ट इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट यही बहुत प्रकार आपंकर प्रिंटर अच्छे परवर्ती यूनिट आम भल भाव ताको बुझा तब देखो कंप्यूटर आउ कौन सब यूनिट रही देखो प्रथम डिस्कस कर देखो सेकेंडरी स्टोरेज क्या कहे ना तो सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटराइज द डाटा द वेरी लार्ज इन नेचर जहाँ बहुत मात्रा बड़ था जो डाटा को स्टोर करता है सेकेंडरी स्टोरेज कह जाए हार्ड डिस्क इज एग्जांपल सेकेंडरी डिवाइस जो हार्ड डिस्क हूँ गोटे सेकेंडरी डिवाइस गोटे एग्जांपल तापर वर्चुअल मेमोरी क्या कहे ना व्वेन द प्रोग्राम इज टू लार्ज जिते बिल प्रोग्राम टी आम बहुत बड़ थाए
टू बी एक्जिक्यूट करने इन द मेमोरी ऑफ द इंटर प्रोग्राम डोज नॉट लोड बट ओनली पर्सन ऑफ इट व्हिच टू बी एक्जिक्यूट कम टू रैम जहाँ मैं रैम को देता हूँ एंड द रेस्ट ऑफ द इट स्टोर इन द हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ द वर्चुअल मेमोरी जिते बेले जो रैम रो कैपेसिटी अनुसार जिते डाटा थाए से नहीं थे कि जो बाकी रही जाए डाटा डाटा को इंस्ट्रक्शन को से वर्चुअल मेमोरी में किसी समय प्रोसेस स्टोर करने हार्ड डिस्क सेंड कर था दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेगिंग यही प्रोसेस को आपंकर पेगिंग बोली कह जाए तब देखो एक्सटर्नल स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज आप एक्सटर्नल डाटा को स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा एक्सटर्नाली इन द फॉलोइंग रीजन क्यों सब कारण एक्सटर्नल डाटा को आप स्टोर करते देखो इजी डाटा माइग्रेशन डाटा को गोटे जगार अन्य स्थान को नहीं पार भल भाव कम समय इजी माध्यम बीटा डाटा रिमेन सेफ इन द केस ऑफ कंप्यूटर कैश एंड एवरीथिंग कैन बी रिबिल्ट इन दिस इन लेस टाइम बाय द रिप्लेस द कलर जिते बिल कंप्यूटर जिते बेले आप डैमेज होता है कि जेकोसी असुविधा होता है तेज आप डाटा को रिबिल्ड करेंगे आप रिस्टोर करेंगे यह रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन कहुए इट हैव टू स्टोर मैक्सिमम डाटा एंड कीप द कंप्यूटर ड्राइव एम्प्टी इन द स्टोरेज डाटा आप डाटा को आप बहुत मात्रा बहुत समय धरी आप स्टोर करेंगे तब देख देखो एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल डाटा स्टोरेज बा स्टोरेज आर एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल स्टोरेज एर देखो एक्सटर्नल स्टोरेज करवा पई आपन को क्यों सब डिवाइस व्यवहार कर दे पेन ड्राइव जहां आप माने जान पाथिबे ए पेन ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड सर्किट यूनिवर्सल सीरियल बस जहां फुल फॉर्म होची यूएसबी रो फुल फॉर्म होची यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस जहां आप माने बहुत मात्रा बड़ डाटा को स्टोर करेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर टेपिकली रिमूवेबल एंड रीराइटेबल फिजिकली मच स्मॉलर देन एंड ऑप्टिकल डिस्क यह आपरेज करेंगे डिलीट करेंगे और पुनर्बार कौन से डाटा को इनपुट आपने रईटेबल करेंगे जहाँ को रीराइटेबल कहुए यह बहुत प्रकार कैपासीटी अनुसार आसी था जपरिक 4GB 8GB 16GB 12 32GB एंड 64GB आपने जापारे जानुथे यह हूँ गोटे पेन ड्राइव बाोटे एक्सटर्नाल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस देखो एक्सटर्नाल हार्ड डिस्क जहाँ आप स्टोरेज कैपासीटी को बुस्ट करने अधिक कैपासीटी को बढ़ावाई आपने एक्सटर्नाल हार्ड डिस्क व्यवहार कर जपरिक आप हाई स्टोरेज कैपासीटी आर ऑप्शन यूज फॉर द बैकअप कंप्यूटर सर्विस नेटवर्क जपरिक आप कैपासीटी 500GB 1GB यही भाव आप कैपासीटी अनुसार हार्ड डिस्क आपने व्यवहार करेंगे तब देखो आप गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज जहाँ आप ऑनलाइन माध्यम आप गूगल प्रोवाइड करते हैं जहाँ आप 16GB 16GB 32GB यही भाव आप जब आप परचेज करेंगे ऑनलाइन माध्यम तेज आपर स्टोरेज कैपासीटी आपने ऑनलाइन माध्यम स्टोरेज पाइपर यही भाव में आपंकर एक्सटर्नल स्टोरेज माध्यम आप डाटा को आप स्टोर करेंगे तो देखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन किपर कराई थे देखो बहुत प्रकार क्लासिफिकेशन कर कंप्यूटर जपर कि आप प्रपोज माध्यम व्यवहार अनुसार टेक्नोलोजी माध्यम साइज अनुसार और कैपासीटी माध्यम तो चलते गोटे पर गोटे डिस्कस करवा तार जो एग्जांपल आम भल भाव जापर तो चलत टाइप ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोज प्रपोज माध्यम आम डिस्कस करवा जहाँ रही आप दु प्रकार जनरल प्रपोज और स्पेशल प्रपोज जो जनरल प्रपोज हूँ ना कौन सी कंप्यूटर जहाँ कौन सी निर्दिष्ट काम व्यवहार करा जाए ना से जेकोसी कार्य करते जनरल प्रपोज कहुए जपरिक आप कार्य हूँ दर यूजेस इनक्लूड प्रिपेरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंटेटर रिपोर्ट गेमिंग फाइनेंशियल एनालिसिस डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिटिक एनालिसिस ये समस्त कार्य करते ताको जनरल पर्पज कह जाए स्पेशल पर्पज क्या कहे ना केवल कौन सी निर्दिष्ट ओनली स्पेशलाइज टास्क फॉर द व्हिच दे आर मेड जेकोसी निर्दिष्ट कार्यपाई जो कार्य जो कंप्यूटर को डेवलप कर जेनेल आप स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कह जाए जहाँपर कि आप फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग जो आप पानीपाग विभाग जो कंप्यूटर व्यवहार करता है स्पेस रिसर्च स्टेशन जो कंप्यूटर व्यवहार करता है एयर ट्राफिक कंट्रोल जो कंप्यूटर व्यवहार करता है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स करने जो कंप्यूटर को व्यवहार करता है आप स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कह जाए तब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आधार में कंप्यूटर को तीन भाग विभक्त करपर आप रही एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर क्या कहना जो आप कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल फेनोमेना सच एज इलेक्ट्रिकल मेकानिकल एंड हाइड्रोलिक
एस एन टी आप क्वांटिटी एंड मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व जो आप फिजिकल क्वांटिटी माध्यम मेजर करने जो कार्य बारंबार चेंजेबल होता है ताकि जो कंप्यूटर टी गणना करते हैं कहुए आप एनालॉग कंप्यूटर तब डिजिटल कंप्यूटर जहाँ आज आप सब आप डिवाइस कैपेबल द सॉल्विंग प्रॉब्लम द प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन इन डिक्रीट फॉर्म इट ऑपरेट ऑन डाटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड लेटर सिंबल आर दैट आर एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म जहाँ आप जीरो वन फॉर्म रे जो डिजिटल फॉर्म रे जो जो डाटा को पब्लिश करता है आप डिजिटल कंप्यूटर कहुए देर आर थ्री मेजर एलिमेंट जहाँ तीन टी मेजर एलिमेंट रही है जहाँ आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा यही तीन टी माध्यम द्वारा बिना से कार्यटी करपरबा डिजिटल कंप्यूटर कहुए यही तो आप जो द डाटा इज प्रोसेस बाय द डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल टू फास्टर दे वर्क ऑन जो आप डिजिटल कंप्यूटर रही है आप गिगो गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट प्रिंसिपल माध्यम काम करते रिक्वयर सिग्निफिकेन्ट प्रोग्राम एफर्ट जहाँ बहुत प्रकार सिग्निफिकेन्ट प्रोग्राम एफर्ट दरकार पड़ता है तो डेस्कटॉप पीसी यूज एट होम इज एग्जांपल जो आप पीसी आप जो कंप्यूटर आप लैपटॉप व्यवहार करते हैं आप डिजिटल कंप्यूटर तब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कहुए ना आप डिजिटल प्लस हाइब्रिड कंप्यूटर जो मिसी जो कंप्यूटर काम जो कंप्यूटर काम करते हैं आप हाइब्रिड कंप्यूटर कहुए जपरिकी आप बहुत प्रकार कार्य व्यवहार करते जपर आप द डिजिटल कंपोनेंट नॉर्मली सर्वर हेज द कंट्रोल एंड प्रोवाइड लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन जहाँ आप लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन काम करते हैं द एनालॉग कंपोनेंट ऑप्टन सर्वर हेज द सॉल्वर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अदर द मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यही भाव समस्त कार्य कराइए देखो टाइप ऑफ कंप्यूटर अन् द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी साइज एंड कैपेसिटी माध्यम रे कंप्यूटर को मध्य बहुत पांच भाग विभक्त करा छि जेपरि कि आपन को रहि छि माइक्रो कंप्यूटर आपन को रहि छि जहाँ को पर्सनल कंप्यूटर मध्य कहा जाए मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर है तो माइक्रो कंप्यूटर क्या कहा जाए आप जो दे आर स्मॉल एंड लो कॉस्ट जहाँ आप बहुत छोट ए कम प्राइस मिलता है जहाँ को सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर मध्य कहा जाए जहाँ को केवल जड़े व्यक्ति व्यवहार कर पार्थ जहाँ एग्जाम्पल हूँ आप आईबीएम पीसी जहाँ पर्सनल कंप्यूटर एपल मकानथस आरसोम एग्जाम्पल तो माइक्रो कंप्यूटर है जहाँ आप डेस्कटॉप कंप्यूटर नोटबुक लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन यह हूँ आप माइक्रो कंप्यूटर गोटे गोटे एग्जाम्पल तब देखो तो मिनी कंप्यूटर क्या कहना मिनि कंप्यूटर आर द मच स्मॉलर इन द साइज दैन द मेनफ्रेम कंप्यूटर बट आर लार्जर माइक्रो कंप्यूटर जो आप माइक्रो कंप्यूटर आप मिनि कंप्यूटर टी बड़ अच्छे दे आर अल्सो नोन एज द मिड रेंज सर्वर यह मिड रेंज सर्वर मध्य बोली कहुए इन साइज एंड पावर मिनि कंप्यूटर इज लाइक बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड मेनफ्रेम जो आप वर्क स्टेशन और मेनफ्रेम मध्य आप मिनि कंप्यूटर आसे एग्जाम्पल यार कतेक एग्जाम्पल अच्छे देखो आईबीएम पीडीपी 11 आईबीएम 8000 सीरीज एंड वीएक्स 7000 500 हो एक्जामपल तब देखो मेनफ्रेम कंप्यूटर यहाँ हूँ गोटे भेरी लार्ज एंड एक्सपेन्सीव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द 100 एंड इवन 1000 ऑफ द यूजर सैमल्टेनियसली गोटे समय 100,000 यूजर मध्य व्यवहार कर पारे इन द हायरार्की दैट स्टार्ट विथ ए सिंपल माइक्रो प्रोसेसर यहाँ गोटे सिंपल माइक्रो प्रोसेसर मध्य कार्य करते हैं जैसे वाचेस जहाँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ आप कार्य जो आप घड़ी काम करते हैं एट द बॉटम एंड मूव्स एट द सुपर कंप्यूटर एट द टॉप मेनफ्रेम आर जस्ट बिलो सुपर कंप्यूटर आपंकर जो सुपर कंप्यूटर टिके मध्य टिके कम लेवल रे आपंकर मेनफ्रेम कंप्यूटर व्यवहार होता है तार लेवल आसता तार कैपेसिटी अनुसार इन सम वे मेनफ्रेम आर द मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर जेहेतु सुपर कंप्यूटर ठारु मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत पावरफुल अटे कारण बिकज दे आर सपोर्ट मोर सिमल्टेनियस प्रोग्राम कारण गोटे समय बहुत प्रकार से काम कर पाते किंतु बट द सुपर कंप्यूटर कैन एक्जिक्यूट ओनली सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन द मेनफ्रेम कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर गोटे समय बहुत प्रकार काम कराई थाए सिमल्टेनियसली गोटे काम बहुत प्रकार कार्य को बहुत प्रकार यूजर मैंने व्यवहार कर पारे किंतु सुपर कंप्यूटर कौन से निर्दिष्ट कार्य को बहुत फास्ट कर पार्ब यह हूँ सुपर कंप्यूटर कैपासीटी किंतु मेनफ्रेम कंप्यूटर में सिमल्टेनियसली गोटे काम को बहुत गोटे कम बहुत प्रकार काम को गोटे समय करें यह हूँ मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के पार्थक्य तब देखो सुपर कंप्यूटर क्या कहुए द आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेन्सीव कंप्यूटर एमंग द डिजिटल कंप्यूटर एकटा कर आर ह्यूज एंड साइज यह बहुत बड़ सैज बिकज अफ दे आर सैज एंड एक्सप्रेस दे आर भेरी रेयर
एंड यूज ओनली बाय द लार्ज बिजनेस हाउसेस। यह बहुत बड़ होइतिबारु एवं यह बहुत एक्सपेंसिव होइतिबारु यह बहुत कम आपंकर बहुत बड़ बिजनेस हाउस व्यवहार करते गवर्नमेंट एवं यूनिवर्सिटी व्यवहार करते दे आर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर इनवेंटेड आर नॉट यूज फॉर द कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग। यह बहुत बड़ बिजनेस ओरिएंटेड बहुत आप फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग कार्यक्रम व्यवहार करता है कौन से बिजनेस पर्पज व्यवहार करें कारण यह बहुत एक्सपेंसिव और बहुत बड़ दे हैव द ह्यूज प्राइमरी मेमोरी एंड द मोस्ट एडवांस कैपेसिटी कैपेबिलिटी। यह बहुत प्रकार बहुत बड़ प्राइमरी मेमोरी थाए एवं यार एडवांस कैपेसिटी बहुत थाए जेपर कि आपंकर सुपर कंप्यूटर जो आप क्रे वन आईबीएम सिक्यू जहाँ रही आप यूनाइटेड स्टेट रो अमेरिकार तापर जापान रो फाजस्तु फोजस्तु एवं परम एवं अनुराग हूँ आप इंडिया प्रत्युष मिहिर यही प्रकार आपंकर अनेक कंप्यूटर रही है। तब देखु वर्कस्टेशन हूँ आप टर्मिनाल और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन दि हार्ड नेटवर्क यह गोटे टर्मिनाल डेस्कटॉप हूँ कंप्यूटर नेटवर्क र इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर्कस्टेशन इज जस्ट ए जेनेटिक टर्म ऑफ फॉर द यूजर मेसीन यह गोटे यूजर गोटे मेसीन हिसाब से कार्य करता है जबकि आप क्लाएंट मेसीन जेटा कहुए इन कंट्रास्ट टू सर्वर द मेनफ्रेम कंप्यूटर यह मेनफ्रेम कंप्यूटर कार्य करता है। तो आई होप आप वीडियो रे समस्त जो आप जो यूनिट थी आपंकर फंडामेंटल कंप्यूटर हिसाब से विषय आप वीडियो समस्त थ्योरी भल भाव जापारे जब कौन एक्सप्लेनेशन में कौन मिस्टेक थे तेज आप कमेंट कर निश्चय बताते जहाँ मध्यम पुनर्व चेषा करी आप मोर जो एक्सप्लेनेशन इम्प्रूव करने तो जेहतु जब भिडियो आपको जब भल लगे भिडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँ मध्य आप समस्त इनफर्मेटिव रिलेटेड भिडियो पाइपे और आगामी जो टॉपिक मैंने अच्छे आप कम समय आप कवर करेंगे जदि आप एक्सप्लेनेशन कौन कम आपको लो चलते आप स्पीड बढ़े आप देखिपारे भिडियो को शेष पर देखिए धन्यवाद।